हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान चैनल। मैं हूं अमर प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम में से सभी लोग आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में स्क्रीनशॉट लिया जाता है। तो आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेने का सबसे पहला तरीका है शॉर्टकट की। आप अपने कीबोर्ड में विंडोज़ की और प्रिंट स्क्रीन को दबाइएगा तो उससे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन, तो इस तरह से कुछ स्क्रीनशॉट हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद से यहाँ पर अपना पीसी में जाएंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ से हम पिक्चर को ओपन करेंगे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। हम पहले से भी कुछ लिए थे, अभी जो लिए ये वाला है, इस तरह से कुछ प्रिंट स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसके बाद लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने का दूसरा तरीका है स्निपिंग टूल। इस सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद सर्च में जाइएगा और यहाँ से लिखिएगा स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल, उसके बाद यहाँ से उसको ओपन कीजिएगा और यहाँ से उसको न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ से हमें स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ से ऐसे करके उसको ऐसे कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सिंपली हम सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जहाँ भी सेव करना होगा सेव करके उसको रीनेम करके यहाँ से हम उसको सेव कर देंगे। तो जैसे इसको हम सेव किए ये अपना डेस्कटॉप पे आ गया, ये इस तरह का डेस्कटॉप पे आ गया कुछ सेव होके। तीसरा जो तरीका है वो है स्क्रीनशॉट लेने का, वो आपके कीबोर्ड में है। आप प्रिंट स्क्रीन को ऐसे दबाइएगा, तो प्रिंट स्क्रीन को दबाइएगा, उसके बाद आपको खोलना है कंट्रोल प्लस आर, रन का ओपन करके इसमें लिखना है एमएस पॉइंट, उसके बाद ओके करना है और इसको यहाँ से कंट्रोल प्लस भी करके कीजिएगा तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, या तो आप फाइल यहाँ पे भी जाके आप यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप सिंपली इसको यहाँ से सेव कर लीजिएगा, सेव एज में जाके और यहाँ से जहाँ भी सेव करना होगा वहाँ आप रीनेम करके यहाँ आराम से इसे आप सेव कर सकते हैं कुछ भी नाम दे के। और यहाँ से आप उसको JPEG सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से सेव कर दीजिएगा। तो ये अभी जो सेव किए ये वाला है। तो दोस्तों, ये 3 तरीके हैं जिसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट और ईजी तरीके हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई दिक्कत हो तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में वाली बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय।